झारखंड माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शो 2024 का आयोजन 20 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। इस आयोजन से माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग को नई दिशा मिलेगी। इस शो का आयोजन ओलंपिक एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। इस शो में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 100 से अधिक सरकारी और निजी कंपनियां शामिल हो रही है। ओलंपिया ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, झारखंड के औद्योगिक सचिव और झारखंड कमिश्नर को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। इस शो में प्रवेश निःशुल्क है। 3 दिवसीय माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शो में आज के आधुनिक उपकरण, आधुनिक खनन तकनीक के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी प्रदर्शनी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच हो, इसके बारे में जानकारी हो कि ये एक एक्सपो हो रहा है, माइनिंग एक्सपो हो रहा है, माइनिंग इक्विपमेंट एक्सपो हो रहा है। तो इसमें लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी तो विजिट करेंगे, अवेयर होंगे नई टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके इक्विपमेंट को लेकर, जो नई प्रोसेसिंग है उसको लेकर। तो इसी के रिगार्डिंग ये हमने एक प्रेस कर, ये एक्सपो ध्रुवा HEC ग्राउंड नियर प्रभात तारा मैदान। इसमें कंपनियां तो पूरे मतलब नेशनल मल्टीनेशनल है, लेकिन जो विजिटर्स होगा इसका वो पैन इंडिया से होगा। एंट्री फीस निःशुल्क है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कोई मतलब, ये सब के लिए है। मैं लोकेश चौधरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ओलंपिया एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड।